नमस्कार माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं और सुखी हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। कई मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने व्हाट्सएप पर बताया कि गुरुजी बताएं कि ये जो आजकल जो पूरे देश में और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, हर जगह हर न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ता 10 दिन से जो है हम देख रहे हैं कि ये अडानी ग्रुप के शेयर्स में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ रही है। अडानी जो है एक समय जो है इंडिया के नंबर वन थे और आज जो है वो उनकी रैंकिंग 10वें या 15वें से भी नीचे आ गई है। इस पर आपका क्या, आप क्या बताना चाहेंगे, इसके क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं? जनरली मैं ऐसे इस किस्म की एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं फॉर पॉलिटिशियंस और ये मैं करता नहीं, बट फिर भी एक सेंस ये देश से जुड़ा हुआ मैटर है तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में एक ऐसा विश्लेषण दूंगा, सिंपल वे में होगा, जो कि हमारी सबके लिए जुड़ी हो और इसकी पूरी जो है इसके क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या है कि बहुत दफ़ा हमारे बहुत जनमानस में ऐसा एक व्यू पॉइंट जाता है कि ये ग्रह चाल और ये ग्रह चाल, ये ग्रह, ये शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब कुछ नहीं होता जी, मेहनत करिए, मेहनत करो और आपको फल करो, ग्रहों से कुछ नहीं होता। अब आज मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो एग्जांपल हम आज दे रहे हैं गौतम अदानी का, वो मेहनत में कोई पीछे नहीं है और उन्होंने बहुत हाइट्स रेज किए हैं और कैसे जो है ग्रह ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं ये हम एनालाइज करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि जो भी हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल हमारी जो वेदों की रीडिंग्स गणना होती है वो परफेक्ट होती है। एस्ट्रोलॉजी कैन नेवर फेल, एस्ट्रोलॉजर्स कैन फेल। तो यही आज का हमारा विषय है। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि उनके हॉरोस्कोप में 24 जून 1962 05:50 AM अहमदाबाद का है हॉरोस्कोप, बहुत ही शानदार हॉरोस्कोप है। और इनके इनका कुंभ राशि है और इनका लगन में जो है बुध है और शुक्र का पूरा इनका पूरे शुक्र जो कि लग्जरीज को डिनोट करता है, शुक्र लगन का और छठे घर का मालिक है और वो उन्होंने पूरे इन पे जो इनकी मेहनत को पूरा रंग दिया है। और साथ ही इनके हॉरोस्कोप में जो केंद्र में जो है गजकेसरी योग बना हुआ है शुक्र, उसमें कि एक तो गुरु का और चंद्रमा का जो कि 10वें घर पे है, इनकी राशि जैसे बताएं कुंभ राशि है, और साथ में जो मंगल जो है 12वें घर में है और शनि जो है वो 9th हाउस में है और उसके साथ केतु है। तो ये बेसिक ब्रॉड डिटेल्स हैं और सूर्य भगवान इनकी दूसरे घर पे है। अब हम आते हैं कि बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो सिचुएशन हुई है ये ऐसे क्यों हुई है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इनका केतु, इनके जो है अभी राहु की मादशा चल रही है, ये 7/2/2022 से 7/2/2025 तक है। ये आपको इम्पोर्टेंट फेज आपको जानकारी होनी चाहिए जिसके कारण हमें इसकी पूरी सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ ही इनका एक और बता दें कि इनका जो अभी जो है केतु की मादशा में 6/5/2008 से लेके 6/7/2009 तक रहा है और इनकी 2014 से शुक्र की मादशा शुरू हो चुकी है। शुक्र में राहु का अंतरदशा 7/2/2022 से 7/2/2025 से है। तो 2014 से हम कह सकते हैं इनका फिनोमिनल राइज हुआ है, जब से केतु की मादशा खत्म हुई और शुक्र की अंतरदशा शुरू हुई, शुक्र की मादशा से हम कोइंसिडेंस कर सकते हैं कि हमारे 2014 से ही मोदी जी भी आए थे और अडानी जी का भी इसी दौरान जो है कीर्तिमान स्थापित हुआ है दुनिया भर में। इन्होंने जो है झंडे गाड़े पोर्ट्स, गैस में और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इक्विपमेंट्स और बड़े अलग 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 क्षेत्रों में इन्होंने टॉप मोस्ट किया है। साथ ही इसी दौरान जो है देखिए शुक्र में राहु का अंतरदशा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट मैं बार बार कर रहा हूँ, 7/2/2022 से शुरू हो गया है और राहु और केतु बड़े प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, इनके रिजल्ट्स आर वेरी वेरी फास्ट।
राहु जो है, राहु और शुक्र जो है, राहु जहां भी बैठता है, जिस भाव में भी या जिस ग्रह में भी बैठता है, उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। और शुक्र और राहु जब साथ आ जाते हैं तो उसका फल असीमित हो जाता है, तो लग्जरीज का अंबार लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा 2022 से जो है इनका, इनकी ख्याति में बहुत ज़्यादा फास्टनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, जो कि इसका कारण जो है ये शुक्र के अंदर राहु की महादशा का रिजल्ट है। अब जो है एक और चीज़ ये बताने हैं कि केतु का और मंगल का भी संबंध, केतु का मंगल के साथ संबंध है। केतु का मतलब ये है ये झंडा, आपको नेम फेम एंड लग्जरीज, लग्जरी से साथ आपको नेम एंड फेम एंड ग्लोरी देगा, वो भी जो है वेल प्लेस्ड रहा है। तो इसलिए ओवरऑल पिक्चर इनकी ये बहुत अच्छी रही है। अब हम आते हैं कि ये दिक्कत क्या हुई अभी। दिक्कत अभी ये हुई है कि 17 जनवरी से 2023 से इनकी दूसरी जो इनकी शनि की साढ़े साती जो है, ये पिछले 2 साल से चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है, ये चल रही है 24/1/2020 से लेके 23/2/2025 तक, 28 तक रहेगी तीसरी साढ़े साती। अब जो है इनका जो, अब जो सेकेंड फेज जो साढ़े साती का है, 17 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। इसी दौरान चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, जो कि इसने बड़ा विस्फोटक योग बनाया, और आज जो है ये जो नंबर 1 से ले पोजिशन में आके अब जो है बिल्कुल डाउन आ गए हैं, कम से कम 9 लाख करोड़ नीचे ये आ गए हैं। और इनके सब्सक्राइबर्स, इनके जो भी जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी दिक्कत आई है, और इनको बहुत ज़्यादा इस समय का ये है। तो ये शनि की साढ़े साती का असर है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये शनि की साढ़े साती अभी ये जो है इनकी चलेगी, और साथ ही जो है इनका जो राहु का, जो राहु की ये जो दशा चल रही है शुक्र में, राहु का जो अंतरदशा है ये भी साथ ही रहेगा 7/2/2025 तक। तो ये जो शनि का और ये राहु का दोनों साथ साथ जो जो योग हैं, इनके लिए नेक्स्ट 2 से 2025 तक काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा। इनके हेल्थ पे भी दिक्कत आ सकती है, इनको पब्लिक की एंगर भी फेस कर सकती है, गवर्नमेंट लीगल प्रॉब्लम भी फेस कर सकती हैं, और किस्म की और डिफिकल्ट टाइप ऑफ एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फंड्स, इनको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में दिक्कत आ सकती है, इस किस्म की अनेक चैलेंजेस आ सकती हैं। अब आप हमारे से जानकारी में से ये पूछ सकते हैं कि ये जो है इसको, इसका इनको आगे क्या इसका वो है। देखिए आगे इनके लिए समय ऐसा है, इससे पहले भी ये बहुत कठिनाई से गुजरे हैं। इनका जो जब दूसरी साढ़े साती हुई थी 1990 to 1998, उसी दौरान 1998 में 2 बार इनकी जान पे दिक्कत आई है, और तब भी ये विक्टोरीज रहे हैं। इनको एक बार किडनैप हो गया था, और ये 1998 में किडनैप हो गए थे, और 97 98 में किडनैप हो गए थे, तब भी उससे बच के आ गए थे। उसके बाद जो है ये केतु की महादशा में जब शुक्र का अंतर चल रहा था 2008 और 2009 के बीच में, तो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, तब भी वो उसी होटल में मौजूद थे जहाँ की ये जो इंसिडेंट हो रहा था, हार्डली 10 to 15 meters। तो ये 2 बार मौत से बचकर आए हैं, और हमारी ऐसी हम तो ऐसा प्रार्थना करेंगे और ऐसी हमारी कामना रहेगी कि ये इस दौरान भी ये जो है इनके जो ग्रह स्थिति दिखा रही है, क्योंकि इनके हॉरोस्कोप में बहुत ही शानदार योग हैं, जो कि आगे भी ये विक्टोरियस होंगे, मगर अभी का जो समय है इनके लिए काफ़ी कष्टदायी और डिफिकल्ट टाइम है। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत लोग हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि गुरु जी ये जो है ये जो है इतने है तो इनको पता नहीं था। देखिए ऐसा है, बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमें पता होता है, मगर क्या है कि हम जो है पावर मनी उसमें हम ब्लाइंड हो जाते हैं, और हम जो है इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो ग्रह अपना काम करते हैं। देखिए ग्रह जो है ना, 1 सेकंड में राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास काउंटलेस एग्जाम्पल है, पांडव का एग्जाम्पल है, उनको डर डर की ठोकरें खानी पड़ी, और राजा विक्रमादित्य की का कहानी है, उनको शनि की जब साढ़े साती ढही आई थी तो वो भी दिक्कत में थे। हमारे पास और कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमें पता चलता है अनिल अंबानी का केस देख लीजिए आप, और अमिताभ बच्चन का ऐसा केस देखिए, शनि की दिक्कत आई थी, वो कहाँ कहाँ से आज राजा से रंक वो बन गए हैं। तो इसीलिए शनि की और अन्य ग्रहों को हम जो है एक, हम उसको ना
एक साइंटिफिक वे में देखें और हम उसका विवेचन करें और उसके उपायों पर हम ज़्यादा ध्यान दें और इसको एक साइंटिफिक बेसिस से हम करेंगे तो हमारे जो भी जो कठिनाई है उसका फल क्या प्रतिशत कम हो जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो नेगेटिवनेस कम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज का जो मैंने विश्लेषण दिया है गौतम अडानी का, इससे आपको हमारी एस्ट्रोलॉजी और हमारी वैदिक साइंस के ऊपर आपको और फेथ आएगा। अन्यथा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी को भी हमारे से कोई समस्या हो, जॉब की, मैरिज की, कैरियर की, लीगल प्रॉब्लम्स और भी अन्य कोई हेल्थ के इश्यूज हो, वो हमारे से ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हमारे स्क्रीन पे फ्लैश होगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर से कि आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।